हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां गलवान वैली में मारे गए सैनिकों की संख्या पर उठा दिया गया है सवाल, जहां चाइना ने 3 ब्लॉगर्स को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, ये बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे जहां पर सबसे दुश्मनी लेकर अब छटपटाने लगा है चीन। जी हां दोस्तों, अमेरिका से कह दी है ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आप भी सुनकर हो जाएंगे हैरान, जहां पर एक से माफी जैसी मांगी है चाइना ने। दोस्तों साथ ही बताएंगे आपको, जहां पाकिस्तान के नापाक इरादों को भांप, श्रीलंका ने इमरान खान को किया था बेइज्जत। जी हां दोस्तों, मगर असली वजह भारत बना है दोस्तों, और क्या है असली वजह है दोस्तों बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर भारत ने क्या काम किया है दोस्तों बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर चीन ने यूएस को चेता दिया है दोस्तों। साथ ही हुगली में प्रधानमंत्री का बड़ा जनसभा। जी हाँ दोस्तों, जानो ने पश्चिम बंगाल में परिवर्तन को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों, और कहा है कि इस बार कुछ भी हो बीजेपी ही आएगी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर क्या है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, और हमारी भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां गलवान घाटी में मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या पर उठाए गए सवाल को लेकर चीन ने 3 ब्लॉगर्स को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों बता दें आपको, चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले साल हुई हिंसा में 4 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार करने पर 3 चीनी ब्लॉगर्स ने सवाल उठाए। इसके बाद चीन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों, जिसमें से एक पूर्व पत्रकार समेत 3 ब्लॉगर्स ने कहा है कि इस संघर्ष में 4 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लेकिन चीनी सरकार बता नहीं रही है दोस्तों। चीन सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए इन ब्लॉगर्स ने पूछा है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में मारे गए सैनिकों के बारे में ऐलान करने में उन्होंने 8 महीने का समय क्यों लगा दिया, जबकि चीन के विपरीत भारत ने तत्काल अपने शहीदों सैनिकों के बारे में ऐलान कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, चीन के दावे पर सवाल उठाने के बाद इन तीनों ब्लॉगर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार जिन ब्लॉगर्स को गिरफ्तार किया गया है उनमें एक खोजी पत्रकार और द इकोनॉमिक ऑब्जर्वर के पूर्व जर्नलिस्ट क्यू जिमिंग भी शामिल है। चीन ने यह ऐलान कर दिया है कि ब्लॉगर्स ने गलवान घाटी में मारे गए चीनी सैनिकों का अपमान किया था, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर मानी जा रही है। इसमें आप साफ देख पा रहे होंगे कि चीन ने जो ये 4 सैनिक मारे जाने की घोषणा की है दोस्तों, वो पूरी तरह झूठ है। आप भी इन ब्लॉगर्स को गिरफ्तार किए जाने के बाद ही अंदाजा लगा पा रहे होंगे दोस्तों कि चाइना कितना बौखलाया हुआ है, और जो भी चाइना सरकार के खिलाफ आता है दोस्तों उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर उसको साइड में सटका दिया जाता है। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि हम शुरू से ही यही कह रहे थे कि चाइना के भी भारत से ज्यादा सैनिक मरे हैं, तो कमेंट सेक्शन में भारी मात्रा में कमेंट करिएगा दोस्तों। देखते हैं हमारी भारत की जनता कौन कौन पहले से ये बात कह रही थी, हमें रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। अगली खबर की बात करें तो सबसे दुश्मनी लेकर अब छटपटाने लगा है चीन, अमेरिका से बोला कारोबार से बैन हटा दो। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सोमवार को अमेरिका से कारोबार और लोगों के बीच संपर्क पर रोक हटाने का आह्वान किया है दोस्तों। अमेरिका के इस प्रतिबंध को ताइवान, हांगकांग, शिनजियांग और तिब्बत के इलाकों में चीन एक गैर जरूरी दखल मानता है। विदेश मंत्रालय के एक मंच से अमेरिका चीन संबंधों पर वांग का ये बयान ऐसे वक्त में आया है दोस्तों, जब चीन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन पर उनके पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उठाए गए टकराव पैदा करने वाले कदमों को वापस लेने का दबाव बना रहा है। इनमें कारोबार और प्रौद्योगिकी से संबंधित शिकायतें शामिल है दोस्तों, जिनकी वजह से ट्रंप ने 2017 में चीन से आयातित वस्तुओं पर कर बढ़ा दिया था दोस्तों। चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों के आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों। ट्रंप ने ताइवान के साथ सैन्य एवं राजनयिक संबंधों को भी बढ़ाया था, जिसे चीन अपना क्षेत्र बताता है। ट्रंप ने शिनजियांग में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार और हांगकांग में आजादी को दबाने का आरोप लगाते हुए चीनी अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। जी हां दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चाइना अब अमेरिका
से भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, और कह रहा है कि कारोबार से बैन हटा दो। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका को चाइना के इन कारोबारों पर से बैन हटा देना चाहिए दोस्तों? हाँ ये आना बताइएगा, जरूर देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या कहती है दोस्तों अगली खबर की अगर बात करें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान के नापाक इरादों को भांप, श्रीलंका ने इमरान खान को किया था बेइज्जत। जी हाँ दोस्तों, मगर असली वजह भारत ही बना। कैसे दोस्तों, आपको बता दें, कश्मीर मसले पर झूठ बोलने की फिराक में लगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को उस वक्त बेइज्जती का सामना करना पड़ा जब श्रीलंका ने उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल श्रीलंका दौरे पर इमरान खान वहां की संसद में भाषण देने वाले थे दोस्तों, मगर श्रीलंका ने भारत से रिश्ते बिगड़ने की डर से उस स्पीच को ही कैंसिल कर दिया। माना यह जा रहा है कि मौजूदा वक्त में श्रीलंका भारत से किसी तरह की तनातनी नहीं चाहता है, और यही वजह है कि भारत के साथ टकराव से बचने के प्रयास में श्रीलंका ने संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान के एक निर्धारित भाषण को रद्द कर दिया था दोस्तों। कोलंबो गैजेट में प्रकाशित डार जावेद की इमरान खान की संसद के भाषण को रद्द करके श्रीलंका ने भारत के साथ टकराव को टाला है शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे वक्त में जब श्रीलंका चीन के कर्ज तले दबा हुआ है और वो उसके ऋण जाल में पूरी तरह फंस चुका है, कोलंबो सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को खराब करने की जोखिम नहीं ले सकती, और वो भी ऐसे वक्त में जब भारत वैक्सीन मुहैया कराकर पूरी दुनिया को बचा रहा है। ऐसे में भारत सरकार ने श्रीलंका को भी कोविशील्ड की 5 लाख खुराकें मुफ्त में गिफ्ट कर दी थी दोस्तों। ऐसे में भारत पूरे देश के लिए दोस्तों और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसीहा बनकर इस कोविड टाइम में निकल कर सामने आया है दोस्तों, और ऐसे में भारत से कोई भी देश यानी कि जो पहले दुश्मन नहीं थे वो कभी भी दुश्मनी अब आगे नहीं लेना चाहते दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, और पाकिस्तान को जिस प्रकार से श्रीलंका ने बेइज्जती करी है दोस्तों, आप कमेंट करके क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट करके क्या बताना चाहेंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा। अगली खबर की अगर बात करें ऐसे में तो चीन ने यूएस को चेताया है, कहा हांगकांग, ताइवान और शिनजियांग में अलगाव वादियों का समर्थन बंद करे वॉशिंगटन। बता दे आपको, चीन और अमेरिका के बीच हाल के सालों में रिश्ते काफी बिगड़ गए थे जैसा कि हमने आपको दूसरी बड़ी खबर में बताया था दोस्तों, लेकिन दोनों मुल्क लगातार एक दूसरे को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं दोस्तों। तो फिर वहीं पर एक बार चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो उसके आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी ना करे। दरअसल चीन ने सोमवार को अमेरिका से कहा है कि वो सत्तारूढ़ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPC और उसकी एक दलीय राजनीतिक प्रणाली को बदनाम करना बंद करे, और साथ में बीजिंग ने कहा है कि वॉशिंगटन ताइवान, तिब्बत, हांगकांग एवं शिनजियांग में अलगाववादी ताकतों का समर्थन भी समाप्त करे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो बांग्लादेश में हुआ पाकिस्तान का कड़ा विरोध, जहां लोगों ने कहा कि उनकी नीति सिर्फ और सिर्फ उर्दू वाली है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर पाकिस्तान का विरोध हुआ है दोस्तों। इस दौरान साइकिल रैली और सेमिनार का आयोजन किया गया, इसमें शामिल होने वाले लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन और बंगला भाषा को दबाने में पाकिस्तान की भूमिका को याद किया है दोस्तों। बांग्लादेश सोशल एक्टिविस्ट फोरम देश के राष्ट्रपति आंदोलन की नींव रखने वाले एक प्रमुख और गैर सरकारी संगठन ने देश के विभिन्न हिस्सों में बैठकें की हैं दोस्तों और जुलूस निकाले हैं। आपको बता दें, वक्ताओं ने बंगाली राष्ट्रीय आंदोलन में जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी है दोस्तों, और बंगाली राष्ट्रीय आंदोलन और बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी हुक्मरानों के कड़े शासन की भी आलोचना कर डाली है दोस्तों। ढाका में BSAF के स्वयं सेवकों ने ढाका सेंट्रल शहीद मीनार में पुष्पांजलि अर्पित की है दोस्तों, जिसके बाद ढाका विश्वविद्यालय राष्ट्रीय संग्रहालय होते हुए लोगों ने रैली निकाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो हुगली में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा पश्चिम बंगाल ने परिवर्तन का मन बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कह दी है मोदी जी ने, पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर अपने दौरे के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि आपका उत्साह कोलकाता से दिल्ली के लिए एक बड़ा संदेश भेज रहा है, और पश्चिम बंगाल ने परिवर्तन के लिए अपना मन बना लिया है। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी राज्य को कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे दोस्तों। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। ममता आज हुगली में प्रधानमंत्री द्वारा कई रेलवे परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह से दूर रहेंगी दोस्तों, इससे पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम से दूरी बनाई थी।
थी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, और कितने हमारे भाई बहन है जो ये मानते हैं कि बंगाल में इस बार परिवर्तन होकर ही रहेगा और भाजपा की ही सरकार वहां बनेगी, कितने लोग मानते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर भाजपा आएगी भी दोस्तों तो कितने वोटों से आएगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट